Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. Let's learn about Elizabeth Gaskell, a Victorian age writer whose lifespan was 1810 to 1865. Her full name was Elizabeth Claghorn Gaskell and she was an English novelist, biographer and a short story teller. She brought up by her aunt after her mother's death. Her novels offer a detailed portrait of the lives of many strata of Victorian society. और उनका जन्म हुआ था 29 September 1810 को लंदन, इंग्लैंड में और डेथ हुई थी उनकी 12 नवंबर 1865 को हैम्पशायर, इंग्लैंड में और उसके फादर का नेम था विलियम स्टीवेंसन और मदर का नेम था एलिजाबेथ हॉलैंड एंड हर मदर डाइड 13 मंथ्स आफ्टर गिविंग बर्थ टू हर यंगेस्ट डॉटर एंड हर फादर रीमैरिड टू कैथरीन थॉमसन इन 1814 एंड शी रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन इन आर्ट्स एंड आफ्टर लीविंग स्कूल एट द एज ऑफ 16 एलिजाबेथ ट्रैवल टू लंदन टू स्पेंड टाइम विद हर हॉलैंड कजन्स On 30th August 1832, Elizabeth married to William Gaskell. Her children name was Marianne, Margaret, Florence, William and Julia. Actually, she had 7 children out of which only 4 survived. And in 1836, she co-authored with her husband a cycle of poems. And in July 1841, she travelled to Belgium and Germany. German literature came to have a great influence on her short stories. तो उनकी जो शॉर्ट स्टोरी थी उसमें जर्मन लिटरेचर का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है एंड शी आस्क्ड नॉवल अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल रिफॉर्म. उन्होंने कहा था कि जो नॉवल है वो सोशल रिफॉर्म के लिए एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है. दैट्स व्हाई ही शोज द लाइव्स ऑफ विक्टोरियन सोसाइटी इन हर नॉवल्स. इन 1848 शी रोट हर फेमस नॉवल मैरी बार्टन. नाउ लेट्स लर्न अबाउट हिज फेमस वर्क्स. मैरी बार्टन, द लाइफ ऑफ शार्लोट ब्रोंटे, क्रैनफोर्ड, नॉर्थ एंड साउथ, वाइफ्स एंड डॉटर्स, स्केचेस अमंग द पुअर, क्लैप्टन हॉल. And she has also wrote some novellas, The Moorland Cottage, The Alderner's Story, Mr. Harrison's Confession, Round the Sofa, Cousin Phyllis, The Grey Woman and other tales. Now have a look on her short stories, Hand and Heart, Christmas, Strawman Stories, Disappearances, My French Master, Company Manners, The Manchester Marys, The Half Brothers. She died of heart attack in 1865. And she became popular for writing especially ghost stories. Now let's study about his famous works in brief. फर्स्ट वर्क है उनका मैरी बार्टन, अ टेल ऑफ मैनचेस्टर्स लाइफ. ये उनका फर्स्ट नॉवल था और ये अनोनिमसली पब्लिश हुआ था और ये वर्क उसने तब लिखा था जब उसके सन विलियम की इन्फेंसी में ही डेथ हो गई थी विद स्कारलेट फीवर, मिंटू से लाल बुखार से डेथ हो गई थी 1845 में. तो उन्होंने अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, अपने आप को बिजी रखने के लिए ये वर्क लिखा था और इस वर्क से वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी. और इस वर्क में उसने बताया था कि जो इंडस्ट्रियल इंग्लैंड है वो खुद तो इतनी अच्छी तरह से रहते हैं पर जो उनकी वर्किंग क्लास है उनको बहुत ही मिजरेबल कंडीशन में रखा जाता है. तो उन्होंने वर्किंग क्लास का एनालिसिस करते हुए उसके थ्रू इंडस्ट्रियल इंग्लैंड को प्रिक किया था या उन पर व्यंग किया था, मिंटू से उनके ऊपर सटायर किया था कि जो मैनचेस्टर सिटी में जो वर्कर्स हैं उनकी जो कंडीशन है, जो इंडस्ट्री में वर्क करते हैं उनकी जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल कंडीशन है और उनको ऐसे हाउसेज में रखा जाता है वो जो बहुत ही ज़्यादा डर्टी हाउस हैं जिसमें कि कोई भी जो अच्छा इंसान है वो नहीं रह सकता. सिर्फ इनह्यूमन, डिग्रेडेड एंड अनहेल्थी क्रिएचर ही यहाँ पे होम लाइक फील कर सकते हैं. और कुछ क्रिटिक्स ने मैरी बार्टन को फ्रेडरिक इंग्लैंड के वर्क एलियनेशन के साथ कंपेयर किया था. नेक्स्ट वर्क हम उनका देखते हैं क्रैनफोर्ड, जो कि पब्लिश हुआ था 1851 टू 53.
तो इसमें जो क्रैनफोर्ड है वो एक सिटी का नेम है, और इस वर्क में कोई रियल प्लॉट नहीं है, पर इसमें काफ़ी सारे कलेक्शन ऑफ स्टाइरिकल स्केचेस हैं। मिंटू से काफ़ी सारे व्यंग से भरे हुए स्केचेस दिए हैं इसमें। तो इसमें एलिजाबेथ ने जो मिड विक्टोरियन इंग्लैंड है उसमें जो स्मॉल टाउन है उनके जो कस्टम और वैल्यूज चेंज हो रहे हैं उनके ऊपर सिंपैथिकली उनका पोर्ट्रेट किया है, और उन्होंने क्रैनफोर्ड में जो पीपल हैं उनका इफेक्शनेट, मतलब बहुत ही प्यार से पोर्ट्रेट किया है कि कैसे अब उनके जो कस्टम है वो चेंज हो रहे हैं, और जो पुराने एंक्रोनियज्म मीन्स आउटडेटेड जो रिचुअल्स हैं उनको वो अब फॉलो नहीं करते। और इस नोवेल में एक मैरी स्मिथ कैरेक्टर है जो कि एक यंग वीमन है और क्रैनफोर्ड बुक के नरेटर भी है, और वो सारी इंफॉर्मेशन रखती है, चाहे कि वो आउट ऑफ टाउन भी हो, उसके जो फ्रेंड्स हैं वो उसको लिख के भेजते रहते हैं कि क्या चल रहा है टाउन में, और वो अप टू डेट रहती है और सारी इंफॉर्मेशन रखती है कि मेरे टाउन में क्या हो रहा है। और जो क्रैनफोर्ड एक ऐसा स्मॉल टाउन है वेयर एवरीवन नोज एवरीथिंग अबाउट एवरीवन एल्स, यहाँ पे हर एक को हर एक चीज़ के बारे में पता होता है और हर एक के बारे में पता होता है। एंड इट इज़ ऑल्सो प्लेस विद अ सेट सोशल हायरार्की प्रिसाइड ओवर बाय अ ग्रुप ऑफ ओल्डर विमेन हुज वर्ड अबाउट एटिकेट इज लॉ। और यहाँ पे एक सोशल हायरार्की मिंटो से एक सिस्टम सेट किया हुआ है बाय द ग्रुप ऑफ ओल्डर वीमेन, जो ओल्डर वीमेन है मिंटो से वो लीडर बनी हुई है, और उनकी जो नज़र में जो एटिकेट है जो मैनर्स हैं वो भी एक लॉ है और उनको फॉलो करना है। नेक्स्ट वर्क है उनका नॉर्थ एंड साउथ, और ये टू इंस्टॉलमेंट्स में पब्लिश हुआ था 1854 एंड 55 में, और ये चार्ल्स डिकन्स के एक मैगजीन हाउस होल्ड वर्ड्स में पहले पब्लिश हुआ था। और इस नॉवल का पहले ओरिजिनल टाइटल रखा गया था मार्गरेट हेल, पर बाद में इसको चेंज कर दिया गया था चार्ल्स डिकन्स के सुजेशन के ऊपर, और उसने एलिजाबेथ गास्कल को कहा था कि इस नॉवल का जो टाइटल उसको चेंज करना चाहिए क्योंकि इसमें जो नॉर्थ एंड साउथ के बीच में जो असमानताएं हैं उनके बीच में जो डिस्पैरिटीज हैं उनको दिखाया गया है, तो फिर इसका नेम नॉर्थ एंड साउथ रखा गया, विच वॉज ए कॉमन सब्जेक्ट इन द डिस्कोर्स ऑफ द डे एंड इट वॉज अडॉप्टेड फॉर टेलीविजन 3 times। तो इस नॉवल को 3 times टेलीविजन के लिए अडॉप्ट किया गया। इसमें मार्गरेट हेल जो है वो मेन प्रोटेगोनिस्ट है साउदर्न इंग्लैंड से, और वो इंडस्ट्रियल सिटी में जो मिल ओनर्स और वर्कर्स हैं उनका जो प्रोस्पेक्टिव है उस पर कमेंट करती है, उनको प्रेजेंट करती है। और नोवेल की सेटिंग रखी गई है मिल्टन में, जो कि एक फिक्शनल इंडस्ट्रियल टाउन है इंग्लैंड के नॉर्थ में। तो इसमें दिखाया है कि कैसे मार्गरेट अपने टाउन को छोड़ के मिल्टन में आके, जो कि मैनचेस्टर ही है, वहाँ पे अपने पेरेंट्स के साथ रहती है, जब उसे फोर्स किया जाता है अपना होम छोड़ने के लिए ट्रैंक्विल रूरल साउथ में, और वो एक ब्रूटल वर्ल्ड की विटनेस बनती है कि कैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जो एम्प्लॉयर और वर्कर्स हैं फर्स्ट स्ट्राइक में कैसे क्लैश करते हैं, उनके बीच में कैसे झगड़ा होता है, तो उस वर्ड की वो एक विटनेस बनती है। नेक्स्ट वर्क है उनका लाइफ ऑफ शार्लोट ब्रॉन्टे, जो कि 1857 में पब्लिश हुआ, एंड इट इज पोस्टमस बायोग्राफी ऑफ शार्लोट ब्रॉन्टे बाय हर फेलो नॉवेलिस्ट एलिजाबेथ। तो एलिजाबेथ गास्कल जो कि फेलो राइटर थी शार्लोट ब्रॉन्टे की, उसने शार्लोट की डेथ के बाद उसकी बायोग्राफी को पब्लिश करवाया, एंड इट वॉज द गास्कल्स फर्स्ट एडिशन वॉज पब्लिश, और इसका जो फर्स्ट एडिशन था वो पब्लिश हुआ था 1857 में बाय स्मिथ एल्डर एंड कंपनी के द्वारा, और जो मेजर सोर्स थे इसमें वो थे जो शार्लोट ने 100 letters भेजे थे अपने लाइफ लॉन्ग फ्रेंड एलन न्यूजे को। नेक्स्ट वर्क है उनका सिल्वियस लवर, जो कि 1863 में पब्लिश हुआ, एंड इट इज़ नॉवल बाय हर विच शी कॉल्ड द सैडेस्ट स्टोरी आई हैव एवर रोड। तो एलिजाबेथ गास्कल ने खुद इस नॉवल के बारे में लिखा है कि ये मैंने अपनी लाइफ में पहली बार इतनी सैडेस्ट स्टोरी लिखी है, और इस नॉवल में सिल्विया जो है उसका इनफैचुएशन या फिर उसका अट्रैक्शन दिखाया है किनरेड के साथ। किनरेड इसमें एक मेन कैरेक्टर या हीरो बोल सकते हैं,
पर उनका जो एक दूसरे के प्रति अफेक्शन था, जो प्यार था, वो जल्दी ही ख़त्म हो जाता है जब वो एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं। तो इस स्टोरी को फ्यू सेंटेंसेस में डिस्क्राइब किया गया है दैट किंड्रेड इज इवेंचुअली शोन टू बी ए शैलो करेक्टर। जो किंड्रेड है उसको एक शैलो या खोखला करेक्टर बताया है, पर जो मिसिस गास्कल है उसने उसको बहुत ही अच्छा जब बढ़ा चढ़ा के बताया है। शी पोर्ट्रेल हिम सो सुपरफिशियल दैट वी फाइंड इट हार्ड टू अप्रिशिएट द स्ट्रेंथ ऑफ सिल्विया रोबिंसन्स लव फॉर हिम। इस वर्क को प्रेज भी मिली और इसको कंपेयर किया गया जॉर्ज एलियट के एडम बेडे के साथ। नेक्स्ट नॉवल है रूथ, जो कि 1853 में पब्लिश हुआ और इसका सब्जेक्ट मैटर है प्रोस्टिट्यूशन एंड सेडक्शन। इसमें वैश्यवृत्ति के बारे में बताया गया है। इट इज़ सोशल नॉवल विच इज़ डीलिंग विद विक्टोरियन व्यूज अबाउट सिन एंड इललेजिटमेसी। तो जैसे कि ये सोशल नॉवल है, इसमें जो विक्टोरियंस हैं उनके व्यूज़, जो कि पाप या नजायज़पन के प्रति उनके क्या व्यूज़ हैं, उनके बारे में बात की गई है। और इसमें जो फॉलन वूमन है, जो कि जिसको रिस्पेक्टेबल सोसाइटी से आउटकास्ट कर दिया गया है, उसको पोर्ट्रेट किया गया है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि जो फॉलन वीमेन होती है वो एक रिस्पेक्टेबल सोसाइटी या रिस्पेक्टेबल फैमिली में नहीं रह सकती, तो यहाँ पे जो रूथ है वो एज ए गवर्नेंस सोसाइटी में एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन चाहती है। तो यही नोवेल में बताया गया है कि क्या जो सिनफुल है या जो पापी है, क्या वो सोसाइटी में दोबारा से एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन में आ सकता है। अब इस नॉवल की स्टोरी कुछ इस तरह से है, इसमें जो रूथ हिल्टन है, जिसको कि बाद में मिसेस जैनबिग भी कहा जाने लगा था, वो एक 16 इयर्स ओल्ड गर्ल थी जो कि एक सेम स्ट्रेस शॉप पे वर्क करती थी। यहाँ पे और गर्ल्स भी वर्क करती थी, सेम स्ट्रेस मीन्स एक टेलर की शॉप पे वर्क करती थी। तो उसकी कोई भी फैमिली नहीं होती, वो अकेली रहती है, पर एक बार वो एक यंग नॉवल मिस्टर बिलिंगम से मिलती है तो उसकी लाइफ पूरी चेंज हो जाती है। पहले तो उसे वो बहुत अच्छा लगता है, पर बाद में वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं होता और जो रूथ है उसकी लाइफ पूरी बुराई में चेंज हो जाती है। और जो यंग नॉवल होता है बिलिंगम, वो उसको बहला के ल्यूर करके लंदन ले जाता है नॉर्थ वेल्स में, और वहाँ पर वो रूथ जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। और फिर जब जो वेलिंगम है वो एक बार बीमार पड़ जाता है तो उसकी जो मदर है वो उसकी देखभाल करने के लिए आती है और रूथ को वहाँ से भगा देती है। और फिर एक मिस्टर बेंसन होते हैं जो बहुत अच्छे इंसान होते हैं, वो रूथ को रेस्क्यू करते हैं और एकेल्स्टन में ले जाते हैं। यहाँ पे उन्हें मिसेस डैम्बे, जो एक और करेक्टर है, वो मिलती है। वो एक विडो है और एक लविंग मदर है और वो एज ए गवर्नेंस काम करती है एक रिच लोकल फैमिली में। यहाँ पे टू डॉटर्स होती हैं, उनकी देखभाल करती होती है। और जब ये पता चलता है, सीक्रेट डिस्कवर होता है कि जो रूथ है उसका एक 6-year-old सन भी है, तो बेंसन और मिनिस्टर और उसके जो सिस्टर्स हैं वो उसकी हेल्प करते हैं, उसके साथ खड़े होते हैं। और फिर जो रूथ है वो एज ए नर्स इल पीपल के लिए वर्क करती है। और फिर लास्ट में वो एपिडेमिक में या महामारी में एक बहुत ही रेवर्ड और एज ए बिलवड वूमेन या एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल वूमेन के तौर पे उसकी डेथ होती है। नेक्स्ट नॉवल है उनका वाइफ्स एंड डॉटर्स, और ये उनका अनफिनिश्ड नॉवल है और 1864 में उन्होंने इसको सीरियलाइज करना स्टार्ट किया था। मिंटो से ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से सीरियल में आया था। तो इस वर्क में गोथिक एलिमेंट्स भी ऐड किए गए हैं। तो 1865 में जब एलिजाबेथ गास्कल हैम्पशायर में अपने रूटीन विजिट पे जा रही थी तो सडनली उसके हार्ट अटैक से डेथ हो गई, जिस वजह से वाइफ्स एंड डॉटर जो था वो अनफिनिश्ड रह गया। और उसकी डेथ के बाद इसका जो लास्ट वाला सेक्शन था वो फ्रेडरिक ग्रीनवुड ने कंप्लीट किया था। ये स्टोरी है मोली गिब्सन की, जो ओनली डॉटर है विडो डॉक्टर, जो कि प्रोविंसिकल इंग्लिश टाउन में रहते हैं। और इस नॉवल को बुक में पब्लिश किया गया था 1866 में। और 2010 में एलिजाबेथ गास्कल को एक मेमोरियल डेडिकेट किया गया था पोइट्स कॉर्नर वेस्टमिंस्टर एबे में।
1971 में इसको टेलीविज़न के लिए अडॉप्ट किया गया और 1999 में बीबीसी ने एक 4-पार्ट सीरी प्रोड्यूस की जो कि बेस थी इस नॉवल वाइफ्स एंड डॉटर के ऊपर विद अ स्क्रीन प्ले। नेक्स्ट नॉवल है एलिजाबेथ गास्कल का माय लेडी लुडलो और इसमें ओवर 77,000 वर्ड्स थे और ये अपीयर हुआ था मैगजीन हाउसहोल्ड वर्ल्ड में 1858 में। ये चार्ल्स डिकेंस का ही मैगजीन था और एलिजाबेथ गास्कल के ज़्यादातर जो वर्क्स से वो चार्ल्स डिकेंस से पब्लिश करते थे और वो अपने अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस भी कर देते थे जैसे उनको ठीक लगता था। और ये री पब्लिश हुआ था एक मैगजीन राउंड द सोफा में 1859 में एंड इट रिकाउंट द डेली लाइफ्स ऑफ द विडोड काउंटेस ऑफ लुडलो ऑफ हैनबरी एंड स्पिनस्टर मिस गैलेंटो हुज फादर वाज अ बैरोनेट एंड देयर केयरिंग फॉर द अदर सिंगल वीमेन एंड गर्ल्स। तो इसमें जो काउंटेस ऑफ लुडलो है वो एक विडो है जो कि हैनबरी में रहती है और एक और करेक्टर है इसमें स्पिनस्टर मिस गैलेंडो। और इसमें जो बैरोनेट है वो एक बहुत ही रिच मैन या एक नाइट है जो कि केयर करता है अदर सिंगल वीमेन और गर्ल्स की। और इसमें एक और करेक्टर है मिस्टर हॉरनर जो कि मैन ऑफ बिजनेस है लेडी लुडलो का। और इसमें जो पॉचर सन है उसका नेम है हैरी ग्रेगसन जिसको ये एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। और इस नोवेल को 2007 में टेलीविज़न के लिए अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट नॉवल है उनका अ डार्क नाइट्स वर्क जो कि 1863 में पब्लिश हुआ और ये सबसे पहले पब्लिश हुआ था सीरियल वाइज सीरियल ऑर्डर में चार्ल्स डिकेंस के मैगजीन ऑल द ईयर राउंड में। तो चार्ल्स डिकेंस का जो एक मैगजीन था पीरियडिकल था उसमें ये सीरियल फॉर्म में पब्लिश हुआ था और इसमें जो वर्ड डार्क था उसको ऐड किया था चार्ल्स डिकेंस ने इसके टाइटल में जो कि एलिजाबेथ गास्कल की विश नहीं थी, वो नहीं चाहती थी। पर डिकेंस फील करते थे कि अगर इसके टाइटल में अगर हम सिर्फ डार्क ही लिखते तो ये और भी अट्रैक्टिव होगा और भी स्ट्राइकिंग होगा। ये स्टोरी है एक कंट्री लॉयर एडवर्ड विल्किंस और उसके डॉटर एलिनोर की जो कि एक आर्टिस्टिक और लिटरेरी पर्सनैलिटी है जो कि लॉयर नहीं बनना चाहता पर फिर भी वो लॉयर बनता है अपने फादर के जैसे इन द प्रोविंसिकल टाउन ऑफ हैमले। सो दिस इज ऑल अबाउट एलिजाबेथ गास्कल्स लाइफ एंड अबाउट हिज वर्क्स। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ नाइस डे।